गोंडा पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब पुलिस ने खुद को एसडीएम का स्टेनो बताने वाले व्यक्ति को घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार कमल खुद को एसडीएम गोंडा का स्टेनो बताकर डॉक्टरों से अवैध उगाही करता था। इस दौरान आरोपी ने एक डॉक्टर से 40,000 रुपए की मांग की, जिसके बाद डॉक्टर ने पुलिस में शिकायत की। मामले में पुलिस ने छानबीन की और डॉक्टर के कर्मचारी से घूस लेते हुए फर्जी स्टेनो को रंगे हाथों पकड़ लिया। हालांकि पुलिस ने फर्जी स्टेनो का रिश्वत लेते हुए एक वीडियो जारी किया है, जिसमें आरोपी घूस लेता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। आप 4 दिन से छुट्टी मांगी थी, छुट्टी भी नहीं पा रहे हैं। हमारा अधिकारी बहुत अच्छा नहीं है। कितना देखा है साहब? हम नहीं जाने वापस बताए आज कहीं नहीं, अब वापस बताए नहीं साहब। आप जाना जाए बैठ गाड़ी। वही मामले में एएसपी ने कहा कि आरोपी ने कई लोगों के साथ ठगी की है, पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। ये दिनांक 13 सितंबर को कोतवाली नगर थाने में एक अभियोग पंजीकृत कराया गया था डॉक्टर मीनाज द्वारा, जिसमें उन्होंने बताया कि कोई व्यक्ति एसडीएम या ऑफिस का स्टैंड वन कर मुझे धमका रहा है और पैसे मांग रहा है। पुलिस ने इस पर अभियोग पंजीकृत किया और जिस नंबर से मांगा जा रहा है उसको ट्रेस करके अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। और इसने स्वीकार किया कि मैं इस तरह के छल और पंच करके ये लोगों से पैसे वसूलता है और षड्यंत्र करके इस तरह से लोगों से फर्जी फोन करके किसी अधिकारी के नाम पर, किसी बाबू के नाम पर इस तरह का ये करता है। अभी और भी इसके कितने लोग हैं, साथी हैं और किन किन लोगों से इसने पैसा लिया, इस सब की अभी पुलिस जांच कर रही है। सर ये कहाँ का रहने वाला है और इसके ऊपर कोई? चंद्र सुहा बनगांव है, थाना तरफगंज में, वहाँ का मूल निवासी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है और पीड़ितों की तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। गोंडा से ओमचंद की रिपोर्ट।